कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आज सही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करने वाला हूँ। आप सऊदी से इंडिया गया था आने के लिए कोशिश कर रही हो, या आप सऊदी में नया आना चाहती हो, तो कुछ बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा दोस्त दो दिन पहले इंडिया से सऊदी अरब आया है, मगर वो आके क्या क्या प्रोसेस है सब कुछ मेरा साथ शेयर किया है, और मैं भी सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो बेचारा आके इधर बहुत पछता रहा है, क्योंकि जब ये सब लॉकडाउन नहीं था, सब फ्लाइट इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट खुला था, तब एक आदमी छुट्टी जाके आने में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 लगता था। अभी उसी 20,000 में अभी इस बंद का वजह से, लॉकडाउन का वजह से 1,20,000 लग रहा है उसको। बहुत लंबी प्रोसेस है, आप सबको मालूम ही होगा। वो मेरा दोस्त ने इंडिया से नेपाल गया था, नेपाल में 14 दिन क्वारंटाइन होके फिर सऊदी आया। मतलब कई बार PCR वगैरह टेस्ट कराना पड़ता है, कोरोना वगैरह टेस्ट करना पड़ता है, मतलब बहुत खर्चा है। इससे पहले 20,000 में सऊदी आता था, अभी 1,00,000 ज़्यादा लग रहा है। ताकि आप सोचो, इंडिया से नेपाल जाने के लिए तकरीबन 29,000-30,000 फ्लाइट का टिकट है, नेपाल में 14 दिन रहना है, 14 दिन में बहुत खर्चा है, फिर उसमें फिर और कोई टेस्ट है, फिर नेपाल से सऊदी का फ्लाइट अभी बहुत महंगा है, तकरीबन 1,20,000 उसका खर्चा हुआ। आके बेचारा बहुत पछता रहा है। आप भी आना चाहती हो तो कुछ बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। उस बेचारा का सैलरी है इधर 1,500 रियल, वो 1,00,000 जो ज़्यादा गया, वो 1,00,000 उसको कमाने के लिए तकरीबन 3-4 महीना चाहिए। 1,500 रियल सैलरी होने से 1,00,000 कमाने के लिए 3-4 महीना तो चाहिए ही चाहिए। उसने अभी ये बोल रहा है कि मैं अगर 3-4 महीना घर बैठा होता, ईद घर में मना लेता, उसके बाद इधर आता, खोला होने के बाद बहुत कम पैसा में आ सकता था। इसलिए वो बेचारा बहुत पछता रहा है अभी। आप भी सोचो, ध्यान रखो आपको क्या करने का है। बहुत खर्चा है, बहुत रिक्सी है। मैंने उसको पूछा था, तुमने भैया नेपाल से क्यों आया? बोल रहा है अगर नेपाल में लॉकडाउन हो जाता तो मैं नेपाल से इंडिया वापस आ सकता था। अभी कोई ओमान से आएगा तो फिर ओमान में लॉकडाउन हो जाएगा तो उधर फंस जाएगा, बहुत मुश्किल है। इससे पहले दुबई में बहुत सारा लोग फंसा हुआ है। अगर आप भी नया आना चाहती हो या आने के लिए सोच रही हो, तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी सऊदी अरब में कोरोना का जो इंजेक्शन है, ये COVID-19 इंजेक्शन सबको लगाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग को भी लगाना पड़ रहा है। अभी आज हम लोग जाएगा ये सब प्रोसेस करने के लिए। तो आप अगर इंडिया में हो, अभी हो सके तो आप भी अभी लगा लो, ताकि फ्लाइट खोलने के बाद फिर ये ना हो जाए कि जो जो कोरोना की इंजेक्शन लिया है वो आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी तक तो हुआ नहीं, मतलब होने का चांस है ऐसा, जैसे कि ऐसा भी कोई रोल आ सकता है, जो जो कोरोना की इंजेक्शन लिया है सिर्फ उसको ही आने के लिए देगा। आप अगर अभी इंडिया में हो तो आप कोरोना की इंजेक्शन लगा लो, अगर सऊदी आना चाहती हो तो। अभी सऊदी में एक मतलब ये सबको ही लगाना पड़ेगा, जो मतलब फूड सेक्टर में काम करता है, जैसे कि हम लोग कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा हूँ, तो हम लोग के लिए लगाने के लिए कोरोना की इंजेक्शन बहुत ज़रूरी हो। आप अगर नया आना चाहती हो तो आप इंडिया से ही अभी सब कुछ तैयारी कर लो। इसका 2 डोज लगाना है, एक पहले होगा, उसके 1.5 महीना बाद 2 महीना बाद और एक लगाने का है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आप लोग अगर मेरा इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय।